वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? जीन संतुलन सिद्धांत, जीन बैलेंस थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी पर बहुत टफ तरीके से दे रखा है। वैसे इस टॉपिक में कुछ है नहीं, लेकिन लैंग्वेज ऐसे एनसीईआरटी पर दे रखी है ना कि कोई अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर करूंगा अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं जीन बैलेंस थ्योरी। अब बात ये आती है भैया, जीन बैलेंस थ्योरी को दिया किसने था? तो साइंटिस्ट का नाम था सीबी ब्रिस। अब इसका नाम आप कैसे याद रखते हैं, पहले मैं ये बता दूं, उसकी ट्रिक बता दे रहा हूं। देखिए, संतुलन यहां पर है। अच्छा, संतुलन से अगर आप कंपेयर करें थोड़ा सा ब्रिज को, तो याद आ सकता है संतुलन ब्रिज। हाँ ठीक है, ब्रिज ब्रिज संतुलन, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं ब्रिज का काम क्या होता है। एक तरीके से ब्रिज क्या होता है, संतुलित रहता है कि नहीं रहता? अगर ब्रिज संतुलित नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो ब्रिज और संतुलन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप अगर बनाएंगे तो बन जाएगा और याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे करके आप नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए, जो सीबी ब्रिज थे ना, इन्होंने ड्रोसोफिला पर लिंग निर्धारण हेतु ये सिद्धांत दिया था। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया आपने पिछले लेक्चर पर ड्रोसोफिला को अपने साथ पढ़ाया था, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप आपने बताया था कि ड्रोसोफिला में होता है, उसका तो लिंग निर्धारण आपने पहले ही पढ़ा दिया। अब आप ये नई थ्योरी ले आए और कह रहे हैं कि इसके लिए अब इस थ्योरी से हम पढ़ेंगे इसको, तो बिल्कुल देखिए अब आपको समझ में आने वाला है कि आखिर मैंने वहां पढ़ाया और फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी क्यों आई, अगली थ्योरी आई ही क्यों जब पहले ही इसका निर्धारण हो चुका था। तो देखिए, एक ड्रोसोफिला को लेते हैं, ये ड्रोसोफिला है। अब ड्रोसोफिला में कई फेज होती है, ठीक है, जिनमें से नॉर्मल फेज होती है डिप्लॉइड की अगर बात करता हूं, जिससे मैंने पहले ही आपको बता दिया, जिस पर एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप पाया जाता है। एक्स एक्स वाली क्या होती है, फीमेल होती है, और एक्स वाई वाली मेल होती है। ये क्या होता है, नॉर्मली होता है, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। किस टाइप पर कवर किया था, एक्स एक्स और XY पर पिछले लेक्चर पर हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। लेकिन जब आगे की बात बढ़ी, जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने देखा ठीक है डिप्लॉइड में तो ये चीजें हो रही है, ऐसे लिंग का निर्धारण हो रहा है, लेकिन ट्रिप्लॉइड में ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, अगर आप देखें तो ये XXY है और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई वाई है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर वाई पाया जा रहा है, मतलब ये मेल होगा। लेकिन यहाँ पर मेल नहीं है, यहाँ पर ये मेल नहीं बनता है, इसीलिए तो आया ये थ्योरी, इसीलिए तो अब ये मेल ही नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है और कब कौन सा बनेगा? ठीक है, सिंपल सी बात, जब डिप्लॉइड की बात होती है तब तो हम जान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ट्रिप्लॉइड की बात होती तो हम कैसे जानने पाएंगे? तो उसी के लिए तो बैलेंस थ्योरी, मतलब जीन बैलेंस थ्योरी दिया था। किसने दिया था, सीबी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इसकी बात करता हूं, एक्स 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 की बात करता हूं, तो ये क्या है, एक्स 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 क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, फीमेल पर पाए जाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर वाई होते हुए भी ये मेल क्यों नहीं है भैया, क्यों डिसाइड नहीं हुआ? तो इसको हम अच्छी तरीके से चीजों को देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं ट्रिप्लॉइड केस की बात करता हूं, सिंपल सी बात है, आपने अभी तक देखा, तो अगर मैं यहां पर वाई गुणसूत्र की बात करता हूं, अब मैं आपका क्यों का जवाब देने वाला हूं कि भैया यहां पर वाई गुणसूत्र क्यों नहीं डिसाइड कर रहा था, तो उसी चीज का मैं आपको वो आंसर देने वाला हूं कि जो यहां पर वाई गुणसूत्र होता है, वाई क्रोमोसोम होता है, ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है। मतलब कहने का क्या है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं बच्चा, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, क्रोमेटिन मतलब होता है क्रोमेटिड्स। आपको पता होगा कि क्रोमोसोम्स के बाद क्रोमेटिड्स बनते हैं, जो कि लंबे धागों के समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंट प्रकार के क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे डिफरेंट प्रकार के होते हैं जो कि सक्रिय नहीं होते, मतलब लिंग निर्धारण में एक्टिव ही नहीं होते हैं। अब अगर ये एक्टिव नहीं है तो क्या आप कह सकते हैं कि ये लिंग निर्धारित करेगा? क्यों करेगा भाई, क्यों सेक्स डिटरमिनेशन में भाग लेगा जब ये एक्टिव ही नहीं है? एक्टिव क्यों नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट प्रकार के क्रोमेटिड्स होते हैं। दो तरीके के क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिड्स और यूक्रोमेटिड्स। यूक्रोमेटिड्स अगर होते तो डिसाइड कर लेते। ठीक है, अब ये डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो जो वाई गुणसूत्र है वो यहां पर लिंग का निर्धारण नहीं कर रहा है, और अगर करता तो वो मेल होता, जो मैंने आपको बताया कि ये मेल नहीं। सिंपल सी बात है कि नहीं? अब देखिए, अगर ये नहीं करता भैया तो फिर कैसे हमें पता चलेगा, कौन करेगा? तो उसी के लिए इन्होंने जीन बैलेंस थ्योरी दी थी, जिसमें इसने एक सिंपल सा फार्मूला बताया, सेक्स इंडेक्स रेशियो अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, इसको हम एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर आपके x अपान a जब आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा, मान लीजिए आप निकाले और निकालने के बाद आपका क्या आंसर आ रहा है, सर 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो जो ड्रोसोफिला है वो क्या होगा, ड्रोसोफिला मेल होगा। क्या होगा बच्चा, मेल होगा। लेकिन अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो ड्रोसोफिला क्या होगी, फीमेल होगी। लेकिन 1 से अधिक आ रहा है तो क्या होगा, तो सुपर फीमेल होगी। और अगर 0.5 से कम आ रहा है
तो सुपर मेल होगी। अब आप ये कह रहे होंगे भैया कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या समझाया, कोई बात नहीं, अब आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं कि मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपके पास एक्स क्रोमोसोम 3 दिए हुए हैं और ऑटोसोम कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, एक्स अपान ए मतलब 3/2, आंसर कितना आया 1.5। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 से ज्यादा आएगा तो जो फीमेल है वो सुपर फीमेल होगी, मतलब जो सेक्स है वो क्या हो जाएगा, सुपर फीमेल वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, एक्स क्रोमोसोम 4 हैं और ये ऑटोसोम कितने हैं, ऑटोसोम 3 है, मतलब 4/3 हो जाएगा, जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1.3, ये भी 1 से ज्यादा है मतलब ये भी सुपर फीमेल होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम आपके पास ओनली 1 है और अगर ऑटोसोम 3 है तो 1/3 हो जाएगा मतलब 0.33। अब ये 0.5 से क्या हो गया, कम हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये सुपर मेल होगा कि नहीं होगा, मतलब जो संतान होने वाली है वो सुपर मेल हो जाएगी। अगर 0.5 आंसर आता तो क्या हो जाता, तब मेल हो जाता, और अगर 1 आंसर आता तो क्या हो जाता, तब फीमेल हो जाती। सिंपल सी बात है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें लेट में आती है, कुछ चीजें पहले आ जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा होगा, शुरुआत में उठा होगा कि भैया अगर यहाँ पर जो वाई गुणसूत्र है वो डिसाइड ही नहीं कर रहा है लिंग को, तो ये है ही क्यों, इसका काम ही क्या है, क्यों पढ़ा हुआ है भैया अगर ये डिसाइड ही नहीं कर रहा, तो भैया इसका काम है, इसका वर्क है, इसीलिए ये है, अगर वर्क ही ना होता तो होता ही क्यों, ठीक है। जो भी चीजें बनी है उसका कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क क्या होता है, यहाँ पर भले ही जो वाई गुणसूत्र है वो ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि नर होने वाला मादा, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारित नहीं कर रहा है, लेकिन इसके काम बहुत अच्छे हैं, इस पर पाई जाती है नर जननशीलता की जीन। अब अगर इस पर नर जननशीलता की जीन पाई जाती है तो ये शुक्र जनन और जननांगों के परिवर्धन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब अगर इस पर अगर वाई गुणसूत्र ही नहीं होता तो शुक्र जनन भी नहीं होता, नर जननांग के परिवर्धन भी नहीं होते, मतलब जो नर तो होता लेकिन बांझ नर जो होता, मतलब बांझ नर होता, कहने का क्या मतलब है, वो रिप्रोडक्शन का भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो उस पर शुक्र जनन हो रहा है, ना तो उस पर नर जननांग है अच्छी तरीके से परिवर्धित हुए हैं, तो कैसे भाई रिप्रोडक्शन कर पाता, मतलब भले ही वो लिंग निर्धारित नहीं कर रहे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, मतलब नर जननशीलता पर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं वाई गुणसूत्र। ये क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है वाई गुणसूत्र का, इसीलिए बच्चा वाई गुणसूत्र पाया जा रहा है, भले ही ये डिसाइड नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन काम है वो नर जननशीलता नर पर बनाए रखने का काम है, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, सिंगल प्रॉब्लम अब आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। कल के लेक्चर पर हम पढ़ने वाले हैं लिंग पहचान का कोशिकीय आधार, जिस पर एक थ्योरी दी गई थी जिसको हम बोलते बॉर बॉडी टेक्निक, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। तो मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।